जाता है और हमारे साथ ही एक खाली रेट पेशेंट है। तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि इनका नाम क्या है। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है, मैं फाइलेरिया नेटवर्क से और गंगा नाम। सर, जब आपको फाइलेरिया हुआ तो उस वक्त की स्टोरी बताइए, चाहे आप उस वक्त नौकरी कर रहे हो या फिर सामाजिक स्तर पर लोगों ने किस तरह से देखा। मैं उस समय पढ़ रहा था और पढ़ाई के लक्ष्य में 96 में मेरे फाइलेरिया हुआ, लेकिन हमें मालूम नहीं हुआ क्योंकि आराम होने के बाद 98 में हमें हल्की फूलिंग आई, फीवर के साथ, और ये नट जो है ये दर्द होती है। तो हमने जाकर के मेडिकल कॉलेज खोले कि रात में मैं आपको चेक करूँगा और ब्लड लूँगा, तब जाकर के मैं बता पाऊँगा कि फाइलेरिया है कि नहीं है। तो मैं ठीक है, मैं रुक गया, नाइट में ब्लड लिया, उन्होंने बताया फाइलेरिया है, शायद महीने का कोर्स कर रहा है। हमने ठीक है, जब तक दो छः महीने का कोर्स है मैं पूरा करूँगा, आप कहेंगे तो हम ज़्यादा भी कर लूँगा, लेकिन फाइलेरिया ना हो, क्योंकि मेरी कई लोगों ने फाइलेरिया में देखा हुआ। बोले ठीक है, छः महीने का कोर्स करने के बाद मेरी फूलिंग पूरी कर, कहीं भी फूलिंग नहीं। डॉक्टर साहब बोले आप आओ, आपको फूलिंग कराकर आपको सभी फाइलेरिया नहीं होगी। सन 2000 हमारे जो फाइलेरिया फीवर आया वो जब फूलिंग बढ़ी वो फूलिंग कभी कम होने का नाम नहीं लिया। लोगों ने कहा जड़ी बनवाओ, जड़ी खाओ, वो भी करते रहे, साथ में आईलैंड कोटला कानपुर का कोई नलम दवा मेडिकल अस्पताल हमने खूबा नाम सारे अस्पताल लिया, लेकिन हमें लाभ कहीं से नहीं मिला। पहले पूरा जो काम देखा थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता था, और डॉक्टर कैसे देख रहे यही बिना साइड कोड खाते। कुछ लोगों ने कहा कि डगवा लो, डगवाया डगवा लोग डगवाया, उनका ठीक नहीं हुआ तो हमारा मन नहीं। लोगों ने कहा कि पक जाएगा तो ठीक हो जाएगा, मैंने दतूरा का फल काला दतूरा उसको पीस करके हल्का सा नमक डाल के पीस करके और गुनगुन इसमें पैरों में पका, तीन बार पकाया, कम से कम 3-3 किलो मवान निकला, और मवान निकलने में एक बार तो मेरी मिसेज ने देखा तो मूर्छित हो गई, 3-3 बार मवान निकला, परंतु गन गन्ना होने के कारण हमारा पैर कम हो गया, पता चल गया तो जहाँ पैर लॉक खत्म हो गया फिर वही हो जाता था। जब आप समाज में जाते थे और लोगों को पता चला कि इनको फाइलेरिया है और इनको इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो उनका क्या नजरिया था आपको? देखिए हम सोशल वर्कर हैं, भाजपा के राजनीति भी करते हैं, राजनीति में गरीबों की मदद करने वाला व्यक्ति, और हमसे कोई घृणा नहीं किया है समाज में, हमें अपनी इस स्थिति में भी मैं कहीं भी ना हूँ समाज में मुझे सम्मान पूर्वक स्टेशनर ऑफिस चले जाए, सभी लोगों में सम्मान, रिश्तेदार में भी सम्मान पूर्वक देखते हैं, परिवार में भी हमारे नक्शी तो हमारे ऊपर लूटा करते हैं, कोई परहेज नहीं, कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ
फाइलेरिया के लिए उस लिए प्रचार करता हूँ कि आप दवा सबको खिलाएं, जिसके है वो तो खाए खाए पर जिसके नहीं है वो अवश्य खाए और लगातार पहले साल खाए फिर दूसरे साल खाए फिर तीसरे साल खाए और अगर MBA है तो 5 साल तक लगातार खाए तो उसको कभी जीवन में फाइलेरिया नहीं। और इसमें अगर चूक गए तो ये समझ लो जिंदगी रोना पड़ेगा। आज मैं रो रहा हूँ कोई काम नहीं कर पा बट ये थोड़ा बहुत टहल लेते हैं क्या वो भी चल भी नहीं पाते हैं क्या कोई सवारी ले आए भैया चलना है दरबार तो उनके साथ चले जाते हैं जब 4 रुपया लेकर आ गए और नहीं आए तो हम कहते थे मैं ट्रेन में ऊपर नीचे चढ़ना उतरना और पुलिस चढ़ना ये हमारे बस की बात है तो मना करते। तो जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने किस तरह से अपनी बातें बताई हैं कि बहुत सारे लोग हैं अभी भी कि फाइलेरिया को नज़रअंदाज करते हैं, उनको लगता है कि अरे बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कई बार बताया जाता है चाहे सरकार द्वारा हो या रेडियो के थ्रू आप सुनते हैं कि फाइलेरिया किसी को भी हो सकता है और आपने इनकी ज़ुबानी सुनी कि कितना खतरनाक ये है कि चलना उठना बैठना कोई काम करना जाता है कि फीवर से कभी भी माइंड पड़ सकती है तन बदल नहीं रहता है कफ पेशाब हो जाए कपड़ों में कभी लेटरिन हो जाए इस प्रकार का फीवर होता है। क्या किया जाए ईश्वर ने दिया है उसको लेना पड़ेगा हम ईश्वर ने मरी बाद में यही मंजूर कर रखा था। मेरे परिवार में किसी को नहीं है मेरे को पहली बार वो भी थोड़ी सी नादानी मेरी ये थी कि एक हमारे रिश्तेदार की थी तो उनका थोड़ा मैं साथ कर लिया तो कभी उनके पास साथ में लेती हूँ मैं तो मच्छर उनको काटा होगा उनको काट लिया तो उसे 5-7 साल में ऐसा करता कि वही अंदर हो गया ये हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत अच्छा रेडियो कनपुरिया रेडियो।